सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस मेडिकल स्टोर। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मेडिकल स्टोर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में केश काला ऑयल के बारे में। तो फ्रेंड्स, केश काला ऑयल को किस बीमारी में यानी कि किस कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं और क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, पूरी देखना है जिससे कि आपको इस वीडियो के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि हमारी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आज मैं केश काला ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, केश काला ऑयल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने सुना होगा कि आजकल ज़्यादातर बहुत बहुत छोटे बच्चों के यानी कि एडल्ट्स लोगों के भी ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी कि टाइम से पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी की उम्र के मुताबिक अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर आजकल जो है उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, 6 साल के बच्चे के भी हो रहे हैं, 8 साल के भी हो रहे हैं, 14 साल के भी हो रहे हैं, 18 साल के भी हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कंडीशंस में आजकल ये बाल जो है सफ़ेद बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो इलाज है, क्या इसका इलाज है कि किस तरीके से हम अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं, यानी कि और फ्रेंड्स, हम अपने बालों को अगर सफ़ेद हैं तो काला किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका जो यूज़ है लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि इसमें लेडीज़ का भी फ़ोटो दिया गया है, तो कुछ लोग ये ना समझें कि लेडीज़ को ही इसका यूज़ कर सकती है, बट लेडीज़ का भी दिया गया है और इसके साथ साथ इसमें जेंट्स का भी दिया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसको लेडीज़ और बॉयज़ यानी कि गर्ल्स और बॉयज़, जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बताने चाहता हूँ कि इसको किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमारे बाल उम्र से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं पार्टीज़ में जाना है, फंक्शंस में जाना है, तो कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते वाइट्स बाल होना, यानी कि उम्र से पहले वह जब वाइट बाल्स हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो कुछ लोग जो है अपने बालों को कलर करके जाते हैं, ब्लैक कलर करके जाते हैं। तो उसी कंडीशन में ये केश काला जो है ऑयल है एक, तो इसको कब यूज़ करना है, कब इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर हम जब हमको नहाने जाना है, यानी कि नहाने के बाद जब थोड़े थोड़े से हमारे जो बाल हैं सूखने नहीं पाए, यानी कि हल्का हल्के से गीले रह जाए, तो थोड़ा सा आपको ये इसको लेना है अपने हाथ पर तेल और अपने बालों में लगा लेना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपके अगर बाल वाइट हैं तो आपके बाल जो है बिल्कुल एकदम ब्लैक होने लगेंगे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इससे बाल अगर आपके सफ़ेद हो चुके हैं फुल तरीके से तो आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे, तो अगर फुल तरीके से हो चुके हैं तो ब्लैक नहीं होंगे, पर हाँ, अगर आपके बालों की स्टार्टिंग से कुछ मात्रा में आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस केश काला का अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहोगे, यानी कि कंटिन्यू ज़्यादा तो नहीं कह रहा, अगर मैं लगभग 1 महीना भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको इस केश काला ऑयल से मिलेगा। आपके बाल जो है एकदम बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो आपको मैंने अभी बताया था कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है, आपको सिर्फ यूज़ करना है जब आपको नहाने जाना है, नहाने जाने के बाद हल्के से टॉवल से अपने बालों को यानी कि पोंछ लेना है, सुखा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से नहीं सूख पाए, हल्के से गीले रह जाए, उसी तरीके से आपको थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लेना है इस केश काला का और अपने सर में, अपने बालों में लगा लेना है, तो आपके बाल जो एकदम इससे एकदम मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो कलर है वाइट वो एकदम ब्लैक कलर में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल, अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो आप इस केश काला ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इसका यूज़ करें। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये केश काला जो है, केश काला नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है और फ्रेंड्स, ये बेस्ट मॉल नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप केश काला नाम से लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा, बेस्ट मॉल नाम बोलोगे तब भी आपको ये
मिल जाएगा, यानी कि केश काला या बैशमॉल दोनों ही नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी नाम से आप इसको खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ इसके MRP प्राइस की, तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सिर्फ 35 रुपये में यानी कि मार्केट में मिलता है, तो आपको लगभग 35 रुपये में ही आपको ये मिलेगा, तो ज़्यादा कोई प्राइस के महंगे नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके बाल अगर ज़्यादा ही वाइट हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप इसका एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमें फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।